क्या आप सभी का हॉस्टल वार्डन बनने का सपना है? क्या आप हॉस्टल वार्डन बनने की तैयारी कर रहे हैं? तो उन छात्राओं को आज से क्या अभी से हम चैलेंज स्टार्ट करते हैं हॉस्टल वार्डन का प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग हॉस्टल वार्डन बनने का सपना देख रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। कंप्यूटर का टोटल 30 प्रश्न देखेंगे। डेली हॉस्टल वार्डन की कंप्यूटर की क्लास कराई जाएगी। 30 जून से नया बैच प्रारंभ किया गया है। क्या आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहेंगे? तो प्रैक्टिस सेट करिएगा। आप आज ही क्या अभी से अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि आप हॉस्टल वार्डन बनने लायक हैं या नहीं। तो प्रैक्टिस सेट करेंगे कंप्यूटर का आज। आप सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आना स्टार्ट कर दीजिएगा। सभी लोग अगर हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आज सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। और पेज क्या कमेंट बॉक्स पेज ऊपर से पूरा भर जाना चाहिए। सभी लोग आंसर देते जाइएगा। अपना आपको खुद चेक कर लोगे कि कितने दूध और कितने पानी में है, क्या आप हॉस्टल वार्डन बनने के लायक हैं या नहीं। तो आज हम कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट करेंगे टोटल डेली हम आपको 2 महीने के रणनीति के साथ। हॉस्टल वार्डन के बारे में बात करें तो हॉस्टल वार्डन बहुत जल्द भर्ती आएगा क्या? आने वाला है। अब हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर दीजिएगा क्योंकि हॉस्टल वार्डन में आपको 50 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 25 नंबर नहीं लाते तो आपका OMR सीट चेक नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज से क्या अभी से अपने आप को चेक कर लीजिएगा। कंप्यूटर का टोटल 30-30 प्रश्न देखेंगे। अगर 2 महीने में अगर 30-30 प्रश्न देख लेते हैं तो कितना सारा प्रश्न हो जा रहा है। अगर वो सभी अगर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो वहां से आपका चांस बनता है 90% गारंटी लेता हूं 40 प्लस आपका जाएगा कंप्यूटर में। तो आज से क्या अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने आप को दूध और पानी से चेक करना चाहते हैं तो चेक कीजिए। आज से क्या अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। 30 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न का आप लोग आंसर देते जाइएगा। जितने भी मैं प्रश्न आपको सभी से मैं डाउट अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल सटीक क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो आपकी एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न पर एग्जाम में हॉस्टल वार्डन का पूछा जाएगा। चाहे आप CGPSC व्यापम की तैयारी करें जिसमें कंप्यूटर का ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रैक्टिस सेट के साथ ना सभी जितने भी क्वेश्चन कराते जाऊंगा सभी का आंसर आप लोग देते जाइएगा। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही वीडियो है, सिर्फ खास तौर पर वीडियो लेकर आया हूँ। टोटल कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज से अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि आप हॉस्टल वार्डन बनने लायक हैं या फिर नहीं। डेली हम आपको कराने वाले हैं। अगर जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उस हिसाब से हम लेवल चेक करके बताएंगे कि आप लोग कंप्यूटर के कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आप पर्सनल अगर वीडियो चाहिए आपको मेरा तो मेंबरशिप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो पर्सनल वीडियो चाहिए, खास तौर पर जो डाउट क्लियर करना चाहते हैं, जो भी मुझे प्रश्न पूछना चाहते हैं, मेंबरशिप के माध्यम से आपको पर्सनल मिलेगा। और यूट्यूब पर तो हमारा फ्री क्लासेस डला ही रहा है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया ही जा रहा है ना। आप सभी को मैं जो बोल रहा हूँ वो सभी आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं। फिर हम स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि आप कितने पानी और कितने दूध हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि हॉस्टल वार्डन में कैसे कैसे कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट आपके सामने जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कंप्यूटर का आज। सो कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्लास लेकर आए हैं। पहला क्लास हमने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया गया है। तो चलिए आप सभी प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, अपना लेवल चेक कीजिएगा कि आप हॉस्टल वार्डन बनने को तैयार हैं या फिर नहीं, आप कितना दूध और कितना पानी में हैं। आप लोग अभी से अपना लेवल चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का सेकेंड क्लास वीडियो, ठीक है। तो कंप्यूटर का प्रश्न देखेंगे 2016 का, ठीक है। कल हमने देखा है 2014 का, जितने आप सभी लोगों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आया है तो कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छा आप सभी लोगों का आंसर दिए हैं।
ठीक है, 2 से 3 लोग कमेंट में पूछे थे कि सर एक और वीडियो लाइए करके, हम सेकंड वीडियो लेकर आए हैं सेकंड क्लास। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। आप सभी यहाँ पर 30 सेकंड का समय दिया हूँ आपको, आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। एक CDR को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। जितने भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें कि इसका आंसर क्या होगा, अपना लेवल चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए, वर्म, वर्ल्ड, वर्ल्ड या वर्म क्या आएगा? तो इसका आंसर बिल्कुल ए है, जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है वर्म बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। स्ट्रीम के एक प्लेबैक में जो विलंब होता है आपका उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या इवेंट डिले। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्सों में फटाफट कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा, अपना लेवल चेक कीजिएगा ना। सेकंड क्लास चल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल बकवास ना करें ना, बिल्कुल बकवास ना करें, वरना आप स्किप कर लीजिए या फिर आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा, आप यहाँ पर कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। फिर जब यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की क्लास चल रही है, आप छत्तीसगढ़ का क्लास क्यों पूछ रहे हो बेवकूफ? चलिए ध्यान ना दीजिए ना यहाँ पर, चलिए हम सेकंड क्लास देख रहे हैं जिसमें टेस्ट चल रहा है आप सभी लोगों का, अपना लेवल चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि आप कितने हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं या फिर नहीं, है ना। तो कंप्यूटर का हम डेली क्लास लेकर आए हैं, 30 जून से प्रारंभ किया गया है, पहला क्लास हमने अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्सों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सी होगा, जीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, चलिए कमेंट बताइएगा कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आंसर ए यूनिक्स का, आंसर बी विंडोज, आंसर सी एप्पल या आंसर डी लिनक्स, इसमें से कौन सा होगा? चलिए कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, मेंबर क्लास कर रहे हैं ना, मेंबर क्लास अगर आपको चाहिए तो मेंबर क्लास आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर पैड क्लास है, आप जितने कर सकते 199 रुपये का भी है, जो कि सिल्वर क्लास, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड तीनों क्लास दिया गया ना, आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पर हम हॉस्टल वार्डन ने मेंबर क्लास में डाल दिए हैं। ठीक है, जाके आप जुड़ जाइएगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल होगा विंडो, इसका आंसर बी होगा ना कि सी। ये जो टिक लगे ना उसमें ध्यान ना दीजिएगा, आप लोग अपना लेवल चेक कीजिएगा, है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच, है ना, विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य स्तर पर क्या योग्यता होता है? तो इसका क्या होगा, मल्टीटास्क, स्पीड अप या रन अप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल डी होगा, इसमें से कोई नहीं है। हाँ, PDF हम क्लास लेकर आए हैं, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन यानी कि विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए बनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग सर्च इंजन एज एक्सरीवेंट ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि वैज्ञानिक सूचना के लिए इसका आंसर बी हो जाएगा, साइरस। ठीक है, उसी पर नेक्स्ट है कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय में यानी कि कॉन्टेक्ट एवं उसके फ्लो की योजना किसे कहते हैं, यानी कि प्लानिंग इन द कनेक्टेक्ट एंड द फ्लो ऑफ मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, क्या आएगा इसका आंसर, कितना आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कौन सा होगा ऑप्शन। ठीक है, अपना लेवल चेक करते जाइएगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर ITI हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर का 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के बारे में, तो इसका आंसर बिल्कुल सी होगा, स्टोरी बोर्ड। ठीक है, चलिए 7 का क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक यानी कि विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है और हटाता है, ये आपका एंटीवायरस होगा, आंसर डी है ना। चलिए फिर आप लोग बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, OCR, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर या वॉइस रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर बिल्कुल बी होगा, कॉम। ठीक है, चलिए अपना फिर से लेवल चेक करते हुए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बाई डायरेक्शनल होता है, क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसका आंसर
भी होगा। उसी प्रकार ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटेड हेड और तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है उसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए एक प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होगा या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दसवां का क्वेश्चन का आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का यूजर प्रोग्राम है हमारे। मैं आप सभी को इसलिए कहता हूँ कि आप लोग आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, वो वीडियो आपने नहीं देखा जाइए प्लेलिस्ट के माध्यम से, कंप्यूटर का पूरा क्लास आपको मिल जाएगा। मैं अब प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, प्रैक्टिस सेकंड क्लास है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस सेट है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले, हाँ पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, है ना। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर है, तो आपका हो जाएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है, जो आपका यूजर को करता है ना प्रोग्रामेबल, ठीक। तो इसका आंसर आप बताइएगा सब स्क्रिप्ट यानी कि H2O जैसे करेक्टर के लिए कौन से कम्बिनेशन को उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, आंसर बी, ठीक, कंट्रोल प्लस इक्वल आंसर बी होगा ना। मैं बार बार कह रहा हूँ ये नहीं होगा, ये टीक लगाए उस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो PDF 2016 का है ना, हॉस्टल वाड़ने का, जिसमें आपको मैं क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप बताइएगा यहाँ से कि MS वर्ल्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए, हमेशा एग्जाम में पूछता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, आप रट लीजिएगा स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, स्लाइड शो देखने के लिए F5, हमेशा ये दो ही क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर आप सभी को, है ना। तो दो ही क्वेश्चन है यहाँ से, याद कर लो, क्या याद करोगे, पहला तो F5 और दूसरा है F7, याद कर लो, हमेशा ये स्लाइड शो के लिए काम आता है और ये स्पेलिंग चेक करने के लिए, बाकी को छोड़ दो, है ना। और F2 याद रखना कौन कौन से एग्जाम में पूछता है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, F2 F5 F7 ज़्यादा से ज़्यादा F12, बस ये इतना ही बस पूछता है, ये वाला बस पॉइंट याद कर लो। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा विंडोज वर्जन जो 64 यानी 64 जो वर्जन है आपका कौन सा सपोर्ट को करता है, तो इसका आंसर विंडोज XP होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस, आप सभी को मालूम होगा, जो आपका जो माउस है इनपुट डिवाइस होगा, है ना, जैसे कि माउस हो गया, स्कैनर हो गया, है ना, ये सब क्या है अभी आपका इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब क्या होगा आपका आउटपुट डिवाइस है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं क्या आएगा। इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर पाता, जो ग्राफिक्स प्रिंट है ना आपका नहीं कर पाता, आपका आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर। जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता उसको डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसका आप लोग बताइए फटाक से कमेंट कीजिएगा कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट यानी कि MPEG का उपयोग कहाँ किया जाता है। MPEG का उपयोग हमेशा वीडियो में किया जाता है, आप याद रखना, आंसर डी होगा, जबकि ये जो इमेज है आपका IMG आएगा, इमेज का IMG, ठीक है, याद रखना। PNG क्या है, PNG ये सब इमेज और ऑडियो वगैरह होता है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या होगा, आंसर ए होगा बिंग, अल्ताविस्ता नहीं होगा रे यहाँ पर, बिंग होगा आंसर ए, जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ना 90% कहता हूँ, याद कर लो, बार बार वीडियो को देखो, एक बार में याद नहीं होता दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना लेवल चेक करें, अपना लेवल चेक करें और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो हमने करा चुके हैं, पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, पार्ट 3 वीडियो भी मिलेगा, डेली क्लास कराएंगे आपको 2 महीने के रणनीति के साथ, हॉस्टल वाडन से बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, तो तैयारी करते रहिएगा, है ना। और आप लोग सभी एक बार और बताइएगा, अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया होगा, मेंबरशिप के माध्यम से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। 199 रुपये वाला अगर जो ज्वाइन करना कर सकते हो, या फिर 299 रुपये में, ठीक है, पूरा आपको पूरा क्लासेस मिलने वाली है। क्या आएगा इसका आंसर, बिल्कुल बी, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा।
इनमें से कौन सा है कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो सभी आएगा, शिक्षक क्षेत्र में अदा करेगा, विज्ञान है, स्वास्थ्य, ये सभी क्या है, कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इसका आंसर बिल्कुल डी होगा। कितने लोगों को सही हुआ है यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। चलिए आप फिर से आप यहाँ पर बताएं कि ऐसा कौन सा उपयोग से डेटा एक बार से अधिक बार नहीं लिखा जाता, जो आपका CDR है। CDR का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है, ये आपका है कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क रिकॉग्निशन बोल सकते हैं या रीराइटेबल भी बोल सकते हैं, तो आपका आंसर बी होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा है जो लॉजिकल फैमिली हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही CMOS, ठीक। 1260 कंप्यूटर वायरस के पॉलीमॉर्फिक वायरस होगा, ठीक है, ये आपका उदाहरण है। चलिए इसका आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, 23 का। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क होता है किसमें होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? रो और कॉलम। रो और कॉलम का मतलब समझते हैं ना, रो और कॉलम किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो एक स्प्रेडशीट डाटा होता है जिसमें रो और कॉलम इस प्रकार बना होता है, ठीक है, इस प्रकार आपका बना रहेगा, ये आपका एक मिनट ना, ये आपका रो और कॉलम होगा इस प्रकार, जो कि इसका आंसर अवस्थित होगा। चलिए फिर इसका आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? सी, डेडलॉक को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट और आउटपुट डिवाइस सभी होता है। इसका आंसर बिल्कुल डी होगा। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, ठीक है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। आंतरिक मेमोरी में एक एनिकक कंप्यूटर कितने जो स्टोर कर सकता है? तो मात्र 20, याद रखना, ठीक है। चलिए देखिए सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, ना कि चुपचाप बैठे रहोगे ना, अपना लेवल चेक कर रहे हो कि क्या चेक कर रहे हो भाई आप लोग, आप कमेंट करके बताओ, है ना, अपना लेवल चेक कीजिए आप हॉस्टल वार्डन के लिए लायक हो या फिर नहीं, ठीक है। तो 29 का क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर होगा। मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल समूह का जो सामान्यतः अधीन होता है ना, आपका ट्रैक होता है, क्या होता है? ट्रैक, याद रखना, क्या होगा? ट्रैक, याद रखना, ट्रैक, है ना। एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है मेगाबाइट से, याद रखना, सीडी जो है, सीडी का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क, है ना जी, कंपैक्ट डिस्क होता है जो भंडारण क्षमता को मापा जाता है। चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट के डिफ़ॉल्ट में कौन सा एक्सटेंशन होता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के डिफ़ॉल्ट में डॉक, ठीक है, DOC, डॉक, यह ऐसा आएगा आंसर सी, ये वाला आ जाएगा डिक। चलिए अब इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करता है? POP3, याद रखना, POP3, इसको हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछता है। चलिए आप लोग फिर से बताइएगा, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन में खोला जाता है? तो Ctrl+Alt+D, Alt+Ctrl+D, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए फिर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाई डेंसिटी डबल साइडेस फ्लॉपी निम्नलिखित में डाटा को स्टोर कर सकती है? तो 1.44 MB जो है आपका डाटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है। और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसका आंसर बिल्कुल बी होगा, पेज मेकर। जितने लोगों का आंसर आया है बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग फिर बताइएगा, एक सूत्र में सेल एड्रेस पता SA4 को मतलब होता है क्या आएगा? तो इसका आंसर एबाल संयुक्त रेफरेंस आएगा ना, बिल्कुल सही है। चलिए, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाइड, क्रिएट कहलाता है, आपका क्या कहलाता है? ब्लॉग्स कहलाता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन इंटरनेट के नए टर्म को सर्च कर डाटा के लिए बेस करता है? तो आपका हो जाएगा क्रावल, आंसर ए, ठीक है। वेबसाइट के एक वेब पेज पर, वेबसाइट का एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल वेब पेज पर जाते हैं, तो यह आपका हो जाएगा हाइपरलिंक, आंसर सी। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन सा ग्रोथ है? आपका हो जाएगा
कूटबद्ध दिया गया ना, तो कूटबद्ध हम इसका मिलान करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, फुल हो गया आप लोगों का कमेंट बॉक्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, तो मुझे यहाँ पर जो सुपर थैंक्स के लिए आप सब मिला है, मुझे 40 रुपये मिला है अभी सुपर थैंक्स में, तो आप सभी जी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के लिए क्लिक किए हैं उसके लिए थैंक यू। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। आप बताइए प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो प्रिंटर की गति को नापने के लिए CPS, IPM, PPM, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल डी होगा। चलिए गूगल का डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं, तो इसको गूगल वॉलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गूगल वॉलेट, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए 44 का क्वेश्चन देखते हैं कि विंडोज़ कार्ड द्वारा 1 सेकंड स्क्रीन में दी जाने वाली मेमोरी जो होती है उसकी पिक्सल कितनी होती है, फिल रेट होती है। ठीक है, और निम्न में से कौन से जो मेलिशियस प्रोग्राम, हमेशा मेलिशियस यानी कि ट्रोजन हार्स, ये जो कि आपको गूगल हो गया या फिर क्रोम वगैरह से कोई डाउनलोड करता है तो आपको मूर्ख बनाता है, ये भी आपको ट्रोजन हार्स है। और ट्रोजन हार्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एंटीवायरस नहीं है। एमएस वर्ल्ड में नया फाइल खोलने के लिए ना, जब भी नया फाइल खोलते हैं ना Ctrl+N, इसका आंसर बी। ठीक है, तो यह मालवेयर कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपियां बनाता है, देखिए याद रखना है हमेशा स्वयं की प्रतिलिपियां बनाएगा या फिर खुद की प्रतिलिपियां बनाएगा, वर्म कहलाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं निम्न कौन सा लेजिटमेंट है, जो आपका यह हो जाएगा सी लॉजिक बम। ठीक है, और इसका हो जाएगा IP एड्रेस, हमेशा याद रखना आपका डी ही आएगा क्योंकि 115 रहता है लास्ट में। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर का। ठीक है, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही हैं, तो निम्नलिखित सही क्या होगा, पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है, बिल्कुल सही। एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल सही। और सी क्या है, प्रतिलिपियां गलत, ये भी गलत। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए आज हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं हॉस्टल वार्डन के कंप्यूटर की क्लास। उसी प्रकार हिंदी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम अभी हॉस्टल वार्डन के कंप्लीट क्लास लेकर आएंगे, हिंदी का हम बाद में क्लास लेंगे, है ना। तो अगर आप लोग हिंदी से भी क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर पैट क्लास के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जैसे फॉरेस्ट गार्ड की भी क्लास हम कराई जा रही है, आपको करना है तो पूरा कोर्स करना है, आपको पूरा सब्जेक्ट करना है। जैसे हॉस्टल वार्डन में 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिएगा ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब, जैसे सब्सक्राइब दिया है तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया, जाके आप वहाँ पर मेंबरशिप की क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और डायमंड क्लास है। अगर जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं आपको मिल जाएगा, लाइव क्लास मिलेगा, चैट मिलेगा, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, और आप सभी का परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए, हम पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे और ही बाकी सभी का क्लास हम करने वाले हैं। ठीक है।